3 नवंबर के बाबा के मीठे मधुर महावाक्य सुनेंगे। सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा से मिलन मिलाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को आत्मा स्वरूप में स्थित करिए। एक चैतन्य ऊर्जा, चैतन्य शक्ति अनुभव करिए। कर्मेंद्रियों से धीरे धीरे डिटैच होते जा रहे और मस्तक सिंहासन के बीच में अपनी सीट को सेट कर बाबा के महावाक्य डायरेक्ट आत्मा और परमात्मा का मिलन मनाते हुए सुनेंगे। आज बाबा ने बहुत नशे की पॉइंट्स हम बच्चों को बताई। बाबा ने कहा कि आप अलौकिक जादूगर हो, मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाते हो। लौकिक में बहुत जादूगर होते हैं जो कमाई के लिए करते रहते हैं, पर बाबा ने कहा ये इतनी बड़ी कमाई कराने वाली अलौकिक जादूगरी है। तुम दूसरों को रास्ता बताते हो मनुष्य से देवता बनाने का। फिर बाबा ने कहा कि पुरुषार्थी स्टूडेंट्स भी बहुत है, और पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या है? वह पास विद ऑनर होने का, अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखते हैं। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। हम अपने आप को आज चेक करेंगे। हमारे मन और बुद्धि में सिवाय बाबा के और कौन कौन बैठा हुआ है? हमारी बुद्धि कहाँ पर अटकी हुई है, कहाँ पर लटकी है, किसके लगाव, प्रभाव और झुकाव में हम आते रहते हैं? सारे दिन में कौन से साधन, वैभव में, वस्तुओं में हमारी बुद्धि बार बार जाती रहती है और बाबा की याद को, बाबा की याद की नशे को कम कर देती है? या ये भी कहे कि बाबा का जादू हम आत्माओं पर कम हो जाता है, तो ये अवश्य हम चेक करेंगे। बाबा ने आज हमें ये भी बताया कि आप आत्माएं बहुत पवित्र थी और चक्रों में आते आते अपवित्र बन गई। आपने भक्ति मार्ग में बहुत ही बड़े बड़े चित्र बनाए, मंदिर बनाए और कितने पैसे खर्च भी कर दिए, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? सो बाबा ने कहा तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह गुप्त नशा है, बेहद के बाप की कमाल है, कैसा रूहानी जादूगर है। बाबा कहते रूह को याद करते करते सतोप्रधान बन जाना है और सतोप्रधान दुनिया में जाना है। आप बच्चों को पता है कि सतयुग में कैसे आप आत्माएं पवित्र थी, और बाबा ने ये भी कहा कि मैंने आपको ऐसा ज्ञान चक्षु, ज्ञान बुद्धि, दिव्य बुद्धि दी हुई है जिससे आप राइट और रॉन्ग का फर्क समझ सकते हो। अब मैं जो श्रीमत देता हूँ वो राइट है और शास्त्र की मत राइट है। सो बाबा ने कहा ये आपको जज करना है। फिर आज बाबा ने एक क्षमा के रूप में भी हमें अनुभव कराया, और बाबा ने हमें ये चिंतन में ले गए कि आप क्षमा पर फिदा होने वाले कौन से पतंगे हो, कौन से परवाने हो, फेरी लगाने वाले हो या फिर मर मिटने वाले हो, फिदा होने वाले हो या फिर
कहो कि जल कर ख़त्म होने वाले हों। सो ये भी हम आज चेक करेंगे कि बाबा के साथ हमने हमारा रिश्ता कैसा बांधा हुआ है। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में कहा जाता है, तो क्या हम बाबा के साथ ही जीते हैं और बाबा के साथ ही मरने का वादा किया हुआ है ना? बाबा कहते हैं, बच्चों अब मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने, सतयुग नए वर्ल्ड में ले जाने के लिए। अभी तुम संगम पर परमात्मा और आत्मा का संगम का मेले का आप बहुत ही फ़ायदा ले रहे हो। बाबा कहते, 84 जन्म का राज भी आप ही जानते हो। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है। कर्म कैसे अकर्म होते हैं और कैसे विकर्म हो जाते हैं ये भी आप आत्माओं को पता है। बच्चों पवित्रता सबसे अच्छी है। बाबा कहते, जो पवित्र होते हैं उसका गायन भी होता है। सो बाप ने समझाया कि आत्माएं अब ये गुप्त मेहनत करो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाबा ने ये भी समझाया कि आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात भी गायी हुई है। साथ साथ बाबा ने कहा, हेवनले गॉड फादर हेवन स्थापन करने वाला मैं हूँ, फूलों को बगीचा बनाने वाला हूँ, कांटों को फूल बनाता हूँ। नंबर वन कांटा काम कटारी का है, क्रोध को तो भूत कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अपने आप को देवताई स्वरूप में देखिए। देवताएं अहिंसक थे, निर्विकारी थे और उन निर्विकारी देवताओं के सामने विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। सो बाबा ने इन सब सत्संगों आदि का जो कॉमन बात है, और वो कहते हैं कि सब कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। सो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को वर्षा मिलता है एक बाप से। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई बनाते हैं। आगे बाबा ने कहा कि सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है कि कैसे आत्माएं डबल सिरताज होते हैं और फिर गिरते गिरते एकदम नीचे विकारी मार्ग में चल पड़ते हैं। अब बाबा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझने की विधि बताते। बाबा कहते हैं, चक्र फिरते फिरते आप चक्रवर्ती राजा बन ही जाओगे। ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। फिर बाबा ने हमें बहुत याद प्यार दिया और साथ साथ हम रूहानी बच्चों ने बहुत याद प्यार बाबा को दिया। आज का दिव्य वरदान सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जैसे आत्मा के साथ गुण है उसी साथ गुणों के साथ बाबा कहते सागर की लहरों में लहराते रहो। संपर्क में जो भी आए उन्हें सर्व गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभूति मूर्त बनो तो आप द्वारा बाबा की सूरत प्रत्यक्ष हो ही जाएगी। यही बाबा से हमने सच्ची सच्ची प्रतिज्ञा करनी है। आज का स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन करो। कारण बहुत है, हमें सल्यूशन निकालने हैं, उसका निवारण उसका समाधान करना है। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। आज सारे दिन हम यही चिंतन करेंगे कि मैं आत्मा कौन सी परवानी हूँ, क्षमा पर फिदा होने वाली, फेरी लगाने वाली, मर मिटने वाली, और क्या मेरा जादू विश्व की हर आत्मा पर चल रहा है। मैं कितने लोगों को आप समान बना रही हूँ, मनुष्य से देवता बनाने का जादू दिखा रही हूँ। इसी नशे में आज हम झूमते रहेंगे
और कल फिर बाबा से हम रू रिहान करने अपने आप को तैयार करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।